दिमाग में एक बात आती है, वो है लंच। यस आई कैन ईट दिस वन। मेरा यकीन है कि मैंने जिराफ को खा जाना है। और जब जिराफ लाइन को देखता है तो उसके दिमाग में क्या बात आती है, इसने मुझे खा जाना है। एक यकीन बैठा हुआ है दिमाग के अंदर, एक यकीन है शेर का, एक यकीन है जिराफ का। शेर ये कहता है कि मैं चाहे छोटा हूं लेकिन मैंने इसको खा जाना है, मैं खा जाऊंगा इसको, ये मेरा लंच है। मुझे जिराफ नजर आता है तो मुझे लंच का वर्ड मेरे जेन में आता है, डिनर का लफ्ज मेरे जेन में आता है। तो मैं बात कर रहा हूं यकीन की। अपना यकीन ऐसा बनाएं कि ये काम मैंने कर देना है और कर जाऊंगा। जब आपके दिमाग के अंदर ये बात होगी कि मैंने ये काम कर जाना है तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। मैंने अपने बच्चे को ये काम करवाना है, ये है आपका यकीन। फिर आप उस यकीन को परसू करने के लिए, उसको चेज करने के लिए आप अपने पैसे भी बच्चे पे लगाएं, आप अपनी एनर्जीज भी बच्चे पे लगाएंगे, आप अपनी तवज्जो भी बच्चे के पे लगाएंगे। तो पहले पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपना यकीन बनाए, वो अपना यकीन बनाए कि मैंने अपने बच्चों से ये काम करवाने हैं। अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपना यकीन बनाएं। जब किसी चीज का यकीन बनता है तो उस पे काम करना आसान होता है, वो काम करना आपको आसान लगता है, आप उसमें ना थकते हैं, ना भूख लगती है, ना नींद आती है। तो पहली बात ये है कि हम लैक ऑफ मोटिवेशन का शिकार है, हमारे यकीन तजब्जुब का शिकार है। अपने यकीन और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें अपने बच्चों के मामलात में कि मैंने इनसे ये काम करवाना है। जब आप बार बार हैमर करते रहेंगे अपने घर के अंदर कि बच्चे तुम्हारा ये रास्ता है, तुम्हारी ये प्रायोरिटीज हैं, अच्छी चीजों का दर्स दें, अच्छी चीजों का उन्हें बताते रहें, जब उन्हें आप बताते रहेंगे तो बच्चों के जहन के अंदर भी उस चीज की इंपॉर्टेंस डेवलप होती है। तो बच्चों को सही राह के ऊपर लगाने के लिए पेरेंट्स अपना यकीन बनाएं, उस यकीन